नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आरसीबी टीम ने आईपीएल 2021 के ऑक्शन से कुछ बड़े खिलाड़ियों को खरीद करके अपने स्क्वाड को मजबूत कर लिया है। अब टीम में ग्लेन मैक्सवेल, काइल जेमिसन, डेन क्रिश्चियन, इसके अलावा दोस्तों भारतीय युवा खिलाड़ियों में रजत पाटीदार, इसके अलावा मोहम्मद अजहरुद्दीन, वहीं सचिन बेबी जैसे खिलाड़ी जो है टीम में शामिल हो गए हैं। अब आने वाले सीजन में टीम कैसा करती है, कैसा परफॉर्मेंस टीम का होता है, ये देखना भी दिलचस्प होने वाला है। वहीं दोस्तों, आरसीबी टीम ने फिलहाल जो है अभी तक एक भी खिताब नहीं जीता है। ऐसे में दोस्तों फैंस जो है यही उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले सीजन आईपीएल 2021 में टीम अच्छा करेगी और टीम जो खिताब जीतने की पूरी कोशिश करेगी। जैसा कि हम सभी को पता है कि इस टीम में विराट कोहली, एबी डिविलियर्स जैसे बड़े सितारे हैं जिन्हें दुनिया भर में लोग पसंद करते हैं, मगर इसके बावजूद भी ये अभी तक ट्रॉफी नहीं जीत पाए हैं, जिससे आरसीबी टीम के सभी फैंस जो है हमेशा काफ़ी निराश होते हैं। इसलिए दोस्तों आने वाले सीजन में आरसीबी टीम अच्छा करे यही फैंस जो है उम्मीद कर रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरसीबी टीम से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट के बारे में, जहां पर दोस्तों आरसीबी टीम ने जो है आईपीएल 2021 के लिए अपना ट्रेनिंग कैंप शुरू कर दिया है। तो क्या अपडेट, सारी यही सारी जानकारी आपको देने वाला हूं इस वीडियो में आगे। इसलिए भाइयों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि रोजाना अपडेट्स ऐसे ही आप तक हमेशा सबसे पहले पहुँचते रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, आप सभी को पता है कि मुझे क्रिकेट देखना बेहद पसंद है, क्रिकेट से मुझे बहुत प्यार है। इसलिए दोस्तों हाल ही में मैंने माई इलेवन सर्कल नाम का ऐप डाउनलोड किया। यहाँ पर खेलना बहुत ही आसान है। इस ऐप की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर दोस्तों आप चैंपियंस खिलाड़ियों के साथ खेल सकते हो, जैसे कि राशिद खान जैसे खिलाड़ियों के साथ आप यहाँ पर खेल सकते हो। वहीं दोस्तों माई इलेवन सर्कल पर खेलना बेहद आसान है। दोनों टीमों को मिला करके यहाँ पर एक टीम बनानी है आपको। इसके बाद दोस्तों इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज चल रही है, वहीं दोस्तों पाकिस्तान टी20 लीग भी माई इलेवन सर्कल पर हो रहा है। अगर आपने दोस्तों राशिद खान की प्लेइंग इलेवन को बीट कर दे तो आपको 3 गुना ज़्यादा कैश मिलता है इस ऐप पर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको वेलकम बोनस के तौर पर भी 1500 रुपये दिए जाते हैं। वहीं दोस्तों अगर डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे लिंक से आप इस ऐप को डाउनलोड करते हो तो आपको 20% एक्स्ट्रा कैश बोनस मिलने वाला है। वहीं भाइयों, आपके पैसे जो है डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं, जो कि काफ़ी सेफ और सिक्योर है। यहाँ पर जो है कई लोगों ने करोड़ों रुपये जीते हैं, कई लोग करोड़पति बन चुके हैं। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और फटाफट अपनी टीम बनाइए। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एट योर ओन रिस्क। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि आईपीएल 2021 की शुरुआत जो है 11 अप्रैल से हो सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो बीसीसीआई जो है आईपीएल को इंडिया में करवाने के लिए पूरी तरह से इच्छुक है और इसका आयोजन जो है भारत में ही हो सकता है। वहीं दोस्तों डेट्स की बात करें तो डेट्स जो है यहाँ पर रिपोर्ट्स की माने तो 11 अप्रैल निकल कर आ रही है, 11 अप्रैल से आईपीएल 2021 की शुरुआत जो है हो सकती है। वहीं इसका फाइनल मुकाबला जो है जून के पहले वीक में खेला जाएगा, ये रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है। तो ऐसे में दोस्तों सभी टीमें जो है इसी हिसाब से अपना अपना ट्रेनिंग कैंप स्टार्ट करने वाली हैं, जहाँ पर दोस्तों हो सकता है कि मार्च के एंड या फिर 25 से 20 मार्च से सभी टीमें जो है ट्रेनिंग कैंप अपना अपना स्टार्ट कर दें। इसी कड़ी में दोस्तों हमने देखा कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने ट्रेनिंग कैंप शुरू कर दिया है, जहां पर 9 मार्च को उनका ट्रेनिंग कैंप स्टार्ट होने वाला है, जिसमें दोस्तों धोनी और अंबाती रायडू जैसे खिलाड़ी शामिल होने वाले हैं। वहीं दोस्तों आरसीबी टीम से भी एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जहां पर दोस्तों आरसीबी टीम के कई खिलाड़ी जो है ट्रेनिंग शुरू कर चुके हैं, वो आईपीएल 2021 शुरू होने से पहले प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर चुके हैं। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। आरसीबी टीम के खिलाड़ी शाहबाज अहमद, हर्षल पटेल, सुयश प्रभुदेसाई और रजत पाटीदार, ये सभी खिलाड़ी जो है ट्रेनिंग करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, रिपोर्ट्स ऐसे निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इन सभी खिलाड़ियों ने जो है प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया है आईपीएल 2021 के पहले, वो भी बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में। तो भाइयों, ये खबर जो है बिल्कुल सच है, सही खबर निकल कर आ रही है कि इन खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग करना जो है वो स्टार्ट कर दिया है। ऐसे में दोस्तों आरसीबी टीम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जहां पर भाइयों ये सभी खिलाड़ी जो हमें विजय हजारे ट्रॉफी में भी शानदार फॉर्म में दिखे थे, जहां पर दोस्तों अजहरुद्दीन, सचिन बेबी, इसके अलावा रजत पाटीदार भी जो है काफ़ी अच्छे फॉर्म में थे। तो भाइयों आरसीबी टीम के लिए अच्छी खबर है कि इन्होंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया है अभी से। वहीं दोस्तों आईपीएल 2021 में आरसीबी टीम के लिए मैक्सवेल भी खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। आरसीबी टीम ने ऑक्शन से उन्हें 14.25 करोड़ रुपए में अपने स्क्वाड में शामिल किया था। अब ऐसे में दोस्तों मैक्सवेल, एबीडी और विराट कोहली जो है एक ही टीम में खेलते हुए दिखाई देंगे, तो फैंस के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। वहीं भाई मैक्सवेल जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 T20 मैचों में खराब फॉर्म में दिखे थे, मगर तीसरे T20 मैच में उन्होंने फॉर्म में वापसी कर ली, वो फॉर्म में आ चुके हैं। ऐसे में भाइयों फैंस यही उम्मीद कर रहे हैं कि आरसीबी टीम के लिए वो अच्छा करने वाले हैं, गेंदबाजी में भी अच्छा करेंगे, इसके अलावा बल्लेबाजी में भी, जैसा बल्लेबाजी
बल्लेबाजी करते हैं तूफानी बल्लेबाजी, वैसे ही पारिया टीम के लिए खेलेंगे आरसीबी टीम के लिए। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खुशखबरी है जहां पर मैक्सवेल आरसीबी टीम के लिए आईपीएल 2021 में हमें खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों पड्डीकल का शानदार फॉर्म जो है आरसीबी टीम के लिए यहां पर प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। पिछले सीजन में भी हमने देखा कि पड्डीकल ने आरसीबी टीम के लिए शानदार बल्लेबाजी की थी, उन्होंने ओपनिंग करते हुए आरसीबी टीम के लिए अच्छी अच्छी पारियां खेली और टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई थी। वहीं दोस्तों दूसरे ओपनर के तौर पर कौन होगा आरसीबी टीम के लिए, कौन ओपनिंग करते हुए दिखाई देगा, ये देखना भी दिलचस्प होने वाला है कि किसे मौका दिया जाता है। क्या विराट कोहली खुद ओपन करेंगे या फिर किसी और बल्लेबाज को पड्डीकल के साथ में ओपनिंग करने का मौका मिलता है। तो भाइयों इन सारी चीज़ों की आरसीबी टीम को तैयारी करनी पड़ेगी, उस हिसाब से उन्हें ट्रेनिंग कैंप में प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी सारी अपडेट्स आरसीबी टीम को लेकर के, अभी के लिए इस वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वहीं दोस्तों अगर अभी तक आपने माई इलेवन सर्कल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो उसे भी जाकर फटाफट डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो भाइयों जाकर उसे भी डाउनलोड कर लीजिए।